श्रीमान कीर्तिवर्धन सिंह जी, श्रीमान पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान सत्यदेव सिंह जी, बलरामपुर के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, शेष नारायण जी, ब्रज बहादुर जी, अलका मिश्रा जी, विधायक श्रीमान अवधेश कुमार सिंह, श्रीमान तुलसी राय चंदानी जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोंडा से हमारे युवा साथी श्रीमान प्रतीक भूषण जी, कटरा बाजार से श्रीमान बावन सिंह जी, महनोन से श्रीमान विनय द्विवेदी जी, कर्नेलगंज से श्रीमान अजय प्रताप सिंह, तरबगंज से श्रीमान प्रेम नारायण पांडे जी, उतरौला से श्रीमान राम प्रताप वर्मा जी, मनकापुर से श्रीमान रमापति शास्त्री जी, गौरा से श्रीमान प्रभात कुमार वर्मा जी, तुलसीपुर से श्रीमान कैलाश नाथ शुक्ला जी, मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इधर उधर चारों तरफ देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि कितने दूर दूर तक लोग खड़े हैं। उधर दूर इमारत पर देखो, उधर की वो सफेद दूर इमारत पर पूरी छत भरी हुई है। भाइयों बहनों, ये भारत का सीमावर्ती जिला, शायद हिंदुस्तान के और कोने में या दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाज नहीं होगा कि ये कैसी आंधी चल रही है। भाइयों बहनों, हमारे देश के सामान्य व्यक्ति इसकी सूझबूझ लोकतंत्र के प्रति, उसकी श्रद्धा, चाहे वो पढ़े लिखे हो या न हो, स्कूल का दरवाजा भी देखा हो या न देखा हो, घर में कभी टीवी रेडियो या अखबार आया हो या न आया हो, लेकिन भगवान शिव की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है। और उस तीसरे नेत्र से वो भली भांति परख लेते हैं
सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता गलत है, ये मेरे देश का गरीब से गरीब इंसान भी बहुत बखूबी समझ लेता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में झूठ मूठ आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है, अनाप शनाप बयानबाजी करने वालों की कमी नहीं है, हर दिन नया झूठ बोलने में माहिर लोगों की कमी नहीं है। झूठ फैलाना उसका भरपूर प्रयास भी होता है, और उस अगर झूठ को सुने, रोज चल रही झूठी बातों को देखे, तो कोई भी इंसान डर जाएगा, उसको लगेगा भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। भाइयों बहनों, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश का गरीब से गरीब इंसान भी सच क्या है इसको भली भांति पकड़ लेता है। पिछले कुछ दिनों में जब से मैंने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाना शुरू किया है, और जब से 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के जब मैंने कहा मेरे प्यारे देशवासियों, और 500 और 1000 की नोट बंद हो गई, तब से एक बहुत बड़ी ताकत देश को भ्रमित करने के लिए, झूठ झूठ फैलाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। उनको देश की चिंता कम है, देश की इकोनॉमी की आर्थिक स्थिति की चिंता कम है, नोटबंदी होने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी चिंता कम है, उनकी परेशानी ये है कि वो बड़े बड़े लोग होने के बाद भी बच नहीं पाए, इसकी परेशानी। मायावती जी, मुलायम सिंह जी ने तो पार्लियामेंट में कह दिया था, पब्लिक में कह दिया था कि मोदी जी करना है तो करो, लेकिन एक 7-8 दिन बीच में मौका तो दे दो, कुछ समय तो दो। भाइयों बहनों, जिन जिन को परेशानी हुई है, जिन जिन का लूट गया है, एक तरफ वो जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, गले लग रहे हैं। आप देखते हैं पिछले 15 साल में सपा वाले एक बात बोलेंगे तो बसपा वाले उससे उल्टा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बसपा वाले एक बोले तो सपा वाले उल्टा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोई बात ऐसी है जिसमें सपा और बसपा ने एक ही बात बोली हो? 15 साल में एक ही अपवाद आया, जब नोटबंदी हुई तो दोनों एक ही प्रकार का बोलने लगे, ये मोदी बेकार है। कैसी बड़ी मुसीबत आई होगी इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। भाइयों बहनों, कोई भी डर जाए, इतना इन्होंने हमला बोला हुआ है,
इतना झूठ फैलाया हुआ है, भ्रमित करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं देशवासियों को सर झुका करके नमन करता हूं कि देश की जनता ने सच क्या है, ईमानदारी से देश की भलाई की कोशिश क्या है, उसका साथ पका पकड़ा है। अभी उड़ीसा में चुनाव हुआ, गरीबी इतनी वहां है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब अगर जिले खोजने हैं तो उड़ीसा में से वो जिले मिलते हैं। भूखमरी की चर्चा होती है तो लोग उड़ीसा का उदाहरण देते हैं। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इसकी चर्चा होती है तो लोग उड़ीसा का नाम देते हैं। अभी वहां चुनाव हुआ, वो प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी को झंडा रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, झंडा रखने के लिए, लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उड़ीसा के लोगों ने ऐसा जन समर्थन दिया, सारे देश के लोग चौंक गए कि अगर उड़ीसा के गरीब लोग भी भाजपा के साथ चल पड़े तो पता नहीं आगे वाले दिनों में हिंदुस्तान में और दलों के पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी कल महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, पता है ना क्या हुआ, पता है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, साफ हो गई, कांग्रेस ने साफ कर दिया। भाइयों बहनों, चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, चंडीगढ़ हो, चाहे गुजरात के पंचायतों के चुनाव हो, चाहे कर्नाटक में स्थानीय निकायों के चुनाव हो, पिछले 3 महीने में जहां जहां चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो या ना हो, जनता जनार्दन ने अपने वो तीसरे नेत्र की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। भाइयों बहनों, जब महाराष्ट्र के लोग भारतीय जनता पार्टी का इतना समर्थन करते हैं, जब उड़ीसा के गरीब लोग भारतीय जनता पार्टी का इतना समर्थन करते हैं, चाहे चंडीगढ़ के हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी का इतना समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब यह है अब मेरी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। ये समर्थन से हमें सत्ता का नशा नहीं चढ़ता है, ये समर्थन से जनता के लिए ज्यादा काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है, जी जान से काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार, काला धन, इसके खिलाफ मैंने जो लड़ाई छेड़ी है, भाइयों बहनों, मैं देश को लूटने वालों को छोड़ने वाला नहीं हूं। 70 साल तक गरीबों से जो लूटा गया है वो गरीबों को मैं लौटाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हम देश के सामान्य मानवीय की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं।
जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ये उत्तर प्रदेश और ये इलाका जिसने अटल जी को सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिए हैं, यही क्षेत्र है जिसने अटल जी के प्रति अपना जो प्यार है उसमें कभी कमी नहीं होने दी। उन अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं भाइयों। भाइयों बहनों, ये गोंडा कुछ चीजों में तो देश से कुछ अद्भुत ही कर देता है। एक थोक व्यापार होता है, एक छूटक व्यापार होता है। छूटक बोलते हैं रिटेल, फुटकल। फुटकर एक थोक व्यापार होता है, एक फुटकर व्यापार होता है। मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान में परीक्षाओं में छुटपुट की चोरी की घटनाएं तो सब दूर होती है। कोई विद्यार्थी करता होगा, एक आध मास्टर जी गड़बड़ करते होंगे, लेकिन गोंडा में तो जत्थाबंद चोरी का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। यहां चोरी करने की नीलामी होती है भाइयों बहनों, कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर निकलता है, टेंडर कि हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। और जो केंद्र मिलता है वो हर विद्यार्थी के मां बाप को कहता है कि देखिए 3000 डेली का, 2000 डेली का, 5000 डेली का, अगर गणित का पेपर है तो इतना, विज्ञान का पेपर है तो इतना। होता है कि नहीं होता है भाइयों? होता है कि नहीं होता है? आप मुझे बताइए, इससे किसी का भी भला होता है क्या? जो चोरी करके निकलता है उसका भी भला होता है क्या? जो मां बाप के जेब से इतना रुपया जाता है उनका भला होता है क्या? जो मां बाप पैसे नहीं दे पाते, होनहार बच्चा है वो रह जाता है, उसका भला होता है क्या? ये ठेकेदारी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बेईमानी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये परीक्षा केंद्रों की नीलामी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं इस विषय पर बोलूं का न बोलूं, मैं डर रहा था। मैं सच बताता हूं, मैं इस पर बोलने से डर रहा था। इसलिए डर रहा था क्योंकि मेरा भाषण टीवी पर पूरे देश में लोग देखते हैं, तो कुछ लोगों को कहीं आइडिया मिल जाएगा, अच्छा अच्छा बेईमानी का ये भी रास्ता है क्या? तो मुझे डर लग रहा था कि कोई लोग ये सपा का कारोबार कैसा है उसको कहीं सीख न ले, इसका मुझे डर लग रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, ये मेरे देश की भावी पीढ़ी को ये तबाह करने वाला कारोबार है, ये कारोबार बंद होना चाहिए। श्रीमान अखिलेश जी, आपका तो कुनबा इतना आगे निकल चुका है कि आप तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ने चले गए, आपके बच्चों भी बड़ी बड़ी स्कूलों में भारी फी देकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे गोंडा के गरीब बच्चों का क्या होगा? ये मेरा दर्द है।
और इसलिए भाइयों बहनों, शिक्षा के साथ ये जो अपराध जुड़ गया है वो समाज को आने वाली पीढ़ियों तक तबाह करके रख देता है। भाइयों बहनों, मैंने देखा हमारे सांसद महोदय बार बार वो हमारे कीर्ति जी नया नया सोचने के स्वभाव के हैं। मैं जब भी उनको मिला हूं हर बार कोई नया आइडिया लेके आते हैं, सोचते रहते हैं लोगों की समस्या। वो एक बार मेरे से चर्चा कर रहे थे कि साहब हमारे यहां जो गन्ना किसान है आपको ये तो पता है कि गन्ना किसानों को बकाया नहीं मिलता है, लेकिन एक बात आपने सोची है? मैंने कहा क्या? बोले गन्ना के तोल में भी चोरी होती है हमारे यहां, होती है ना, किसान को तो वहीं आधा मार दिया जाता है ना। ये तो देखा था कि कुछ जगह पर गन्ना आएगा, गन्ना ले तो लेंगे लेकिन तोल का हिसाब देर से लगाएं, क्योंकि कुछ समय अगर वो धूप में रह गया तो वैसे ही उसका वजन कम हो जाता है, और वजन कम हो जाता तो पैसा कम देना पड़ता है। लेकिन ये तो कांटे पर भी चोरी करते हैं। भाइयों बहनों, मैं गन्ना किसानों को, जो हमारे कीर्ति जी इस विषय को लेकर काफी काम करते हैं, मैं एक टेक्नोलॉजी को जानने वालों का एक टास्क फोर्स बनाऊंगा। इसका लाभ सिर्फ गोंडा को नहीं पूरे देश को होगा कि ये गन्ना खेत से निकलता है और चीनी मिल के पास पहुंचता है, उसको तोलने का आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या हो, और जो तोलने का काम होता है वो सीधा ही सीधा कंप्यूटर में अपने आप रिकॉर्ड कैसे हो जाए, और बाद में उसमें कोई लीपापोती करने की संभावना न रहे, टेक्नोलॉजी का पूरा अध्ययन करके ये काम करके मैं रहूंगा जी। ये किसानों के साथ धोखेबाजी नहीं चलेगी। किसान इतनी मजदूरी करता है, मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, और उसके साथ चीनी मिल वालों का राजनेताओं के साथ गठबंधन हो और ये पाप चलता रहे। भाइयों बहनों, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है ये अन्याय मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? ये सपा हो या बसपा, यही कारोबार चलाया कि नहीं चलाया है, यही चलाया कि नहीं चलाया? भाइयों बहनों, अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई गरीबों के भलाई के लिए है, किसानों का हक दिलाने के लिए है, और मैं जनता जनार्दन के लिए ही जीता हूं, जनता जनार्दन के लिए ही कुछ करना चाहता। मैं हैरान हूं जी, गन्ने की खेती ऐसी है कि जिसमें सुरक्षा का तत्व ज्यादा है, बारिश ज्यादा हो जाए, तेज हवा चल जाए, ओले भी गिर जाए, गन्ने को कुछ नहीं कर पाते, गन्ना टिका रहता है, मजबूत होता है, और इसलिए किसी किसान को गन्ने का बीमा लेने की जरूरत नहीं लगती है। सही है कि नहीं है भाइयों? मैं जो बता रहा हूं सही है कि नहीं है? बीमा किसको जरूरत पड़ती है? चावल की खेती करते हो, गेहूं की करते हो, फल फूल की करते हो, सब्जी की करते हो, धान की करते हो, जहां पर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सब कुछ तबाह हो जाता है।
गन्ना तबाह नहीं होता है, और जो गन्ने का किसान उसको बीमा लेने के लिए मजबूर करना, ये गन्ना किसानों के साथ अन्याय है। भाइयों बहनों, हम एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए। आजादी के बाद किसानों का भला करने वाली, किसानों को सुरक्षित करने वाली, संकट के समय किसान को मदद करने वाली, ये बहुत ही उत्तम योजना है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी है कि मान लीजिए किसान ने जून महीने में खेत जोतने का काम कर दिया, ट्रैक्टर किराए पर लाया था तो किराया भी दे दिया, अच्छी क्वालिटी के बीज भी ला करके रख दिए, पूरी सीजन के लिए मजदूर लाने थे मजदूर भी ला करके रख लिए, सब कुछ तैयारी हो गई। अब जून महीने में बुआई करनी है, लेकिन बारिश नहीं आई, पानी नहीं है, तो सोच रहा है चलो जुलाई में करेंगे, जुलाई में भी पानी नहीं आया, अब बुआई करके क्या करेगा? वो सोच रहा है चलो 15 दिन और इंतजार करें, अगस्त महीना जाने आ गया लेकिन बुआई नहीं हुई। अब मुझे बताइए, जून महीना, जुलाई महीना, अगस्त महीना, खेत जोत के रखा है, बीज ला करके रखे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन पानी नहीं आया, क्या किसान बुआई करेगा? क्या बुआई करेगा? क्या उसका तो सब तबाह हो गया कि नहीं हो गया? उसका साल बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? अब वो सर पटक के बेचारा रोएगा कि नहीं रोएगा? भाइयों बहनों, हम ऐसा प्रधानमंत्री बीमा लाए हैं कि अगर वो बुआई नहीं कर पाया प्राकृतिक संकट के कारण, बुआई नहीं कर पाया तो भी किसान को बीमा का पैसा मिलेगा, उसकी साल का जो खर्चा है उसका बोझ हल्का कर दिया जाएगा। मुझे बताइए भाइयों, ये किसान का भला होगा कि नहीं होगा? इतना ही नहीं, अगर जल भराव हो गया और जल भराव के कारण उसकी खेती को नुकसान हो गया तो भी बीमा मिलेगा, ये पहले किसी ने सोचा था क्या? नहीं हुआ था, हमने किया। तीसरी बात, मान लीजिए बुआई बहुत अच्छी हो गई, बारिश भी अच्छी हो गई, जितनी चाहिए उतनी बारिश हुई, जब चाहे तब हुई, और 16 आनी फसल हो गई, 16 आनी, यानी किसान खुशखुशहाल हो गया, परिवार खुशखुशहाल हो गया, कटाई भी हो गई और फसल का ढेर खेत में पड़ा है, बस अब मंडी जाकर के बेचना ही है, ट्रैक्टर आने वाला ही है, बैलगाड़ी तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस 2-4 दिन में मंडी में जाकर के माल बेच देना है, और अचानक बारिश आ गई, ओले गिर गए, प्राकृतिक आपदा आ गया, सारा पका पकाया ढेर पानी में तबाह हो गया, ओले में तबाह हो गया। भाइयों बहनों, हम ऐसा बीमा लाए हैं कि फसल कटाई के बाद खेत के अंदर अगर आपका माल पड़ा है, आपकी पाक पड़ा हुआ है, आपका धान, आपके गेहूं, आपके चावल, आपका उत्पादित चीज पड़ी है और प्राकृतिक आपदा के कारण अगर नुकसान हो गया, 15 दिन के भीतर भीतर अगर ऐसा संकट आया तो उसका भी बीमा मिलेगा, किसान को बचा लिया जाएगा। ये काम हमने किया। लेकिन भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है,
वहां 50% से ज्यादा किसानों का बीमा ले लिया गया। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, 50% किसानों का बीमा ले लिया गया। गुजरात में भाजपा की सरकार है, वहां भी 50% लोगों का ले लिया गया। हरियाणा में भी 50% से ज्यादा लोगों का बीमा हो गया। ये अखिलेश जी को किसानों से क्या दुश्मनी है, किसानों के प्रति क्या गुस्सा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 14% से ज्यादा बीमा नहीं लिया गया, ये किसानों के साथ अन्याय है कि नहीं है भाइयों? और ये बीमा ऐसा है कि 100 रुपयों में किसान को सिर्फ 2 रुपया या 1.5 रुपया देना है, बाकी सब सरकार देने वाली है। लेकिन ये समाजवादी सरकार, उसके समाजवाद में किसान नजर नहीं आता है और उसी का परिणाम है भाइयों, वो बीमा नहीं लेते हैं। और बीमा की योजना बनानी थी राज्य को, भारत सरकार पैसे दे रही है, उन्होंने योजना बनाई तो गन्ने वालों को भी उसमें डाल दिया और उसके कारण और किसानों के लिए बीमा महंगा हो गया। हमने उनको चिट्ठी लिखी, सितंबर महीने में चिट्ठी लिखी कि आप गन्ना किसानों को बेकार में लूट रहे हो, उन पर बोझ डाल रहे हो और किसानों को भी मुसीबत कर रहे हो, मेहरबानी करके गन्ना किसानों को ये बीमा से बाहर निकालो, उन पर ये अत्याचार मत करो। भाइयों बहनों, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। क्या ये आपका भला करेंगे? इनको आपकी समस्या की समझ भी नहीं है, ये मुसीबत है भाइयों। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद छोटे किसानों के फसल का जो कर्ज है वो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं यूपी से, काशी से सांसद बनकर के देश की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है और उत्तर प्रदेश ने इतनी बड़ी मात्रा में सांसद चुना लिए कि आज देश को स्थिर सरकार मिल गई और मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का मौका मिल गया। यह उत्तर प्रदेश के कारण हुआ है। उत्तर प्रदेश का मुझ पर कर्ज है, ये कर्ज मैं चुकाना चाहता हूं भाइयों बहनों। और इसलिए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मैं आप सब उत्तर प्रदेश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं, सारे उत्तर प्रदेश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई ने जो संकल्प किया है, 11 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंगा रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे, उसके बाद भाजपा की नई सरकार बनाएंगे, भाजपा की नई सरकार बना करके उसकी पहली मीटिंग होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मेरी जिम्मेवारी होगी कि नई सरकार की पहली मीटिंग में पहला निर्णय किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों,
लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, वाजपेयी जी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। शास्त्री जी का और अटल जी का ये जो मंत्र है इसको साकार करने में हम पूरी तरह लगे हुए हैं। पिछले दिनों देखा होगा आपने हमारे देश के वैज्ञानिकों ने विश्व को अचंभे में डाल दिया, 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में छोड़े, एक साथ। दुनिया को अचरज हो रहा है। अटल जी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान, आपने देखा हमारे देश के जवानों को इनका हौसला आज इतना बुलंद है। साहब जो लोग फौज में हैं वो भी कहते हैं कि ऐसा मौका पहले मिला होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। हमारे फौज के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा के उस पार जाकर के दुश्मनों के घर में जाकर के उनको दिन में तारे दिखाने की ताकत दिखा दी। भाई चुन चुन करके साफ करके आ गए और दिन रात राजनीति राजनीति करने वालों को राष्ट्रभक्तों का यह पराक्रम समझ नहीं आया। सवाल पूछने लगे, मोदी जी सबूत लाओ सबूत, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था क्या, सबूत लाओ। भाइयों बहनों ये फौज का अपमान है कि नहीं है, ये फौज के साथ अन्याय है कि नहीं है। अभी तक पाकिस्तान भी कभी ऐसा सवाल नहीं उठा पाया, लेकिन मेरे देश के कुछ राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश की सेना के इस महान पराक्रम को भी राजनीति के दायरे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। भाइयों बहन हमारे फौज के जवान वन रैंक वन पेंशन 40 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, 40 साल से, और ये लोग सरकार में बैठे थे। कभी मुलायम सिंह इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, जिनको गले लगे हैं ना अखिलेश जी, वे तो 70 साल तक देश का शासन कर करके आए हैं। लेकिन भाइयों बहनों इनको कभी वन रैंक वन पेंशन का, फौज के जवानों की न्यायी मांग इसको पूरा करने का कभी इच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, इनको अंदाज भी नहीं था कि फौज का इश्यू क्या है, प्रश्न क्या है, कभी अध्ययन ही नहीं किया। अगर ये करते हैं तो कितना आर्थिक बोझ आता है इसका भी अध्ययन नहीं किया। और जाते जाते राजनीति करने के लिए क्या किया, मजाक उड़ाया। मजाक मेरे देश के फौजियों का ऐसा अपमान जिनका इन लोगों ने किया है शायद कभी किसी ने किया होगा। उन्होंने क्या किया, 500 करोड़ रुपए बजट में लिख दिए कि वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़। भाइयों बहनों आप मुझे बताइए इससे बड़ा फौज का कोई अपमान हो सकता है क्या। जब मैं आया मैंने जरा हिसाब किताब लगाना शुरू किया, मुझे पहले तो लगता था 4-6 महीने में काम कर लूंगा, मैं घोषित कर दूंगा। लेकिन जब जांच पड़ताल शुरू की तो भाइयों बहनों इनको सरकार के पास कोई जानकारियां ही नहीं थी। मैंने जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया,
कितने फौजी हैं, कितना पेंशन है, लिस्ट कहां है, कोई परवाह ही नहीं थी। सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। हिसाब लगाने में एक साल लग गया, हिसाब लगाने में ये हाल करके रखा था। और जब मैंने वन रैंक वन पेंशन लागू किया तो भाइयों बहनों उसके लिए जरूरत थी 12,000 करोड़ रुपयों की। कहां 500 करोड़ और कहां 12,000 करोड़। लेकिन उनको गंभीरता नहीं थी, कोई गंभीरता नहीं थी। भाइयों बहनों मैंने फौज के लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाइयों देखिए ये आपके साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, मैं आपके साथ न्याय करना चाहता हूं, लेकिन मेरी मुसीबत है, आप मेरी मदद कीजिए। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा देखो भाई ये कांग्रेस वाले तो 500 करोड़ रुपया छोड़ के बोल के गए हैं, आप भी जानते हैं 500 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है, 12,000 करोड़ चाहिए। अब भारत जैसा देश, मुझे गरीबों के लिए भी काम करना है, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता करनी है, गरीबों की दवाई की चिंता करनी है, गरीबों के घर की चिंता करनी है, किसानों की भलाई के लिए काम करना है। एक साथ 12,000 करोड़ रुपया खजाने से निकालना मुश्किल है, मेरी एक मदद कीजिए। मेरे देश के फौजियों ने एक मिनट नहीं लगाया, 40 साल से लटका हुआ सवाल था, उन्होंने यही कहा प्रधानमंत्री जी बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं। और मैंने कहा कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं एक मुश्त 12,000 करोड़ नहीं दे पाऊंगा, 2-3 किस्त में दे दूंगा, बस इतना मान लीजिए। भाइयों बहनों मेरे देश के फौजियों ने एक मिनट नहीं लगाया, सरकार की बात मान ली और अब तक 12,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ रुपया फौजियों के घर के में, उनके बैंक में सीधे जमा हो गए। और बाकी जो बचा है वो भी इस बजट में तय किया है, आने वाले दिनों में पहुंच जाएगा। काम ऐसे किया जाता है भाई। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ, किसी ने आपकी जमीन का कब्जा लिया, किसी ने आपके घर का कब्जा कर लिया, किसी ने आपके बेटे को मार दिया, किसी ने बहन बेटी पर बलात्कार कर दिया, आप अगर पुलिस थाने में गए तो आपकी शिकायत वहां रजिस्टर होती है क्या, लिखी जाती है क्या? सच्चा बताइए, लिखी जाती है क्या? थाने में आपकी शिकायत दर्ज होती है क्या? होती है क्या? थाने वाला कहता है कि जरा हमें देखना पड़ेगा, यहां के सपा का जो है उसको जरा पूछना पड़ेगा। भाइयों बहनों ये थाना जनता की भलाई के लिए होता है कि सपा वालों की दादागिरी के लिए होता है? आप मुझे बताइए, थाने से सपा वाले दादागिरियों का केंद्र चलता है कि नहीं चलता है? थाने में सपा का कार्यालय चलता है कि नहीं चलता है? ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों ये हमारा गोंडा जिला सीमावर्ती जिला है, नेपाल से सटा हुआ है। आपने देखा होगा अभी कानपुर में रेल अकस्मात हुआ, उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए, और वह अकस्मात से नहीं, पुलिस ने जो खोज करके निकाला है एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। और षड्यंत्र करने वाले कहां बैठे थे? सीमा के उस पार। भाइयों बहनों अगर सीमा पार के जो हमारे दुश्मन है वे अपना कारोबार सीमा के उस पार से चलाना चाहते हैं तो गोंडा जिले में ज्यादा सतर्कता जरूरी है कि नहीं है?
अगर यहां ऐसे लोग चुन करके आएंगे जो ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो मेरा गोंडा सुरक्षित रहेगा क्या? अगर गोंडा असुरक्षित हुआ तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा क्या? भाइयों बहनों, गोंडा में तो देशभक्ति से भरे हुए लोग, इन्हीं को सत्ता में बिठाना चाहिए, तभी भाइयों बहनों हम गोंडा का भला कर सकते हैं। और इसलिए चुनाव में कोई गलती नहीं होनी चाहिए भाइयों बहनों। उत्तर प्रदेश के किसी की और इलाके में एक आदमी गलती हो जाए तो बहुत नुकसान नहीं होता है, लेकिन गोंडा जिले में ऐसी एक भी गलती हो जाए तो देश का बहुत नुकसान हो जाता है। और इसलिए मेरे गोंडा वासियों, सपा हो या बसपा, एक भी जीतना नहीं चाहिए इस चुनाव में आपको, शत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना चाहिए। भारी मतदान करके, और भाइयों बहनों, अब तक जो चार चरण की खबरें आई है वो तो यहां के मुख्यमंत्री जी का चेहरा देख करके ही पता चल जाता है कि चार चरण में क्या हुआ है। और उनके जिनको उन्होंने गले लगाया है, देश के लोगों ने चाहे उड़ीसा हो महाराष्ट्र हो, उनको विदाई दे दी है। भाइयों बहनों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबों की भलाई करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में काम करने की जरूरत है, और आपने मुझे सांसद बनाया है, मैं उस काम को करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, हमारे देश में ऐसा भेदभाव बना दिया कि जिसके पास गाड़ी है वो अमीर, जो पैदल चल रहा है वो गरीब, जिसका बच्चा बड़ी स्कूल में पढ़ता है वो अमीर, जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है गरीब, जिसका बैंक में खाता है वो अमीर, जिसका खाता नहीं गरीब, जो अपने जेब में कार्ड रखता है, कार्ड से पैसे देता है वो अमीर, और जो बेचारा ठेला भर के नोटे गिनता रहता है वो गरीब। ये भेदभाव मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? मैंने बैंक में गरीबों का खाता खोल दिया ताकि वो भी सीना तान करके कह दे कि फलानी बैंक में मेरा खाता है, सिर्फ अमीरों का नहीं होता मेरा भी होता है। ये बड़े बड़े अमीर जेब में फलाने कार्ड दिखने कार्ड लेके घूम रहे थे, मैंने 20 करोड़ गरीबों के हाथ में रुपए कार्ड दिए, वो भी उसको दिखाता है, देख तेरे पार कहे ये मोदी ने मुझे दिया है, मैं भी अमीरों की बराबरी कर सकता हूं, ये काम मैं कर रहा हूं। अमीर घर में गैस का चूल्हा रखता है और दुनिया को दिखाता है मेरे गैस का चूल्हा है, मेरा गरीब लकड़ी का चूल्हा जलाता है, धुएं में 400 सिगरेट का धुआं मां के शरीर में जाता है, गरीब मां को लकड़ी लाके लानी पड़ती है तब जाकर के बच्चों को खाना खिलाती है, एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं मेरी गरीब मां जब लकड़ी का चूल्हा जलाती है तब उसके शरीर में जाता है, क्या गुनाह है मेरी गरीब मां का? क्या उसको गैस का सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको गैस का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए? क्या अमीरों के लिए है? भाइयों बहनों, मैंने निर्णय कर दिया 3 साल में 5 करोड़ गरीब माताओं को ये लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति दिलाऊंगा, मुफ्त में गैस का कनेक्शन दूंगा, और उनके शरीर में जो 400 सिगरेट का धुआं जाता है उन मां बहनों को बचा लूंगा। और भाइयों बहनों, ये काम कर दिया, अब तक मैंने 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस का कनेक्शन दे दिया। गोंडा जिले में भी गरीब परिवारों में सामने से गैस का कनेक्शन देने का काम चालू हो गया, अनेक गरीब परिवारों में आज गैस का चूल्हा जलने लग गया। भाइयों बहनों, ये गरीब और अमीर की खाई
खत्म होनी चाहिए। गरीब को भी जीने की प्राथमिक व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं और उसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ पूरी ताकत से भारत माता की जय बोल करके मुझे आशीर्वाद दीजिए और मतदान के दिन कमल के निशान पर बटन दबा करके आपके भाग्य का फैसला कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।